हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर में जो आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी आई थी, इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो फ्रेंड्स आ गई है। और कब से आपको ज्वाइन करना है इसके लिए और कौन सा इसमें ऑफर लेटर है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, 23 फरवरी 2022 का नोटिफिकेशन है और लिखा गया है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर जीपीएच कैंपस पोलो ग्राउंड इंदौर। तो फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट है ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है और इसके बाद आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें लिखा हुआ रहेगा सारी जानकारी, तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें और पूरा समझें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है, इसके बाद अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, अप्रेंटिस का नाम दिया गया है, फादर नेम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, अप्लाई कैटेगरी है, इसके बाद पीडब्ल्यूडी में यस या नो किया गया है, इसके बाद आईटीआई की ट्रेड दी गई है, कोर्स ड्यूरेशन दिया है, आईटीआई परसेंटेज दिए हैं, मोबाइल नंबर, सिलेक्टेड कैटेगरी और ऑफिस अलॉटेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आपको कौन सा ऑफिस अलॉट हुआ है, कौन सा जो डिवीज़न ऑफिस है वो आपको यहाँ पर अलॉट हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि आपके कितने परसेंट थे अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है तो। और इस टाइप से आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि कितने परसेंट वालों का सिलेक्शन यहां पर हो गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करें ट्रेड इलेक्ट्रिशियन यूआर कैटेगरी। तो यूआर कैटेगरी के लिए यहां पर हम अगर इसकी मेरिट देखते हैं तो यूआर कैटेगरी की जो मेरिट है वो यहां पर लास्ट, सबसे लास्ट कैंडिडेट जो है वो 27 नंबर पर लिखा हुआ है, जिसने कि सबसे लास्ट में लिखा है यू आर फाइट की है SEONDM नीमच में, जिसको अलॉटेड हुआ है और यू आर कैटेगरी से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की जो यू आर की कट ऑफ है वो गई है 80.57। इसमें नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर जो EWS कैंडिडेट है, EWS की जो कट ऑफ गई है वो गई है 67.37। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में OBC की कट ऑफ अगर हम देखें तो यहाँ पर OBC की जो कट ऑफ गई है वो गई है 74.41। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स, SC कैटेगरी की कट ऑफ आप यहां पर देख सकते हैं, SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की है 74.79%। फ्रेंड्स, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं ये आईटीआई की कट ऑफ है और आईटीआई में अगर आपके इतने से ज़्यादा परसेंट थे तो आपका यहां पर सिलेक्शन हो गया होगा, जैसा कि आप यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग ट्रेड की अलग अलग लिस्ट दे दी गई है। और इसके बाद नेक्स्ट सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो आता है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं, जिसमें कि लिखा गया है कि द अबव सिलेक्टेड कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टर टू अपेयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट अलॉटेड ट्रेनिंग लोकेशन ऑन 28 फरवरी 2022 एट 11 AM। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे लास्ट में जो आपके नाम के सबसे लास्ट में जो आपको ऑफिस अलॉटेड हुआ है, उस ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है उस ऑफिस में, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन जो करवाना है वो आपको करवाना है 28 फरवरी को। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि जब ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग ऑफ अबव सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल कॉमेंस फ्रॉम 2 मार्च 2022। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो 2 मार्च 2022 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 1 साल के लिए रहेगी। इसके बाद लिखा गया है कि आपको अपने आधार कार्ड में जो बैंक अकाउंट है उसको लिंक कर लेना है और उसकी जो फोटोकॉपी है वो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर लेकर आनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिखा गया है कि जो ऑफर ऑफिस जो लोकेशन है वो ऑफिस लोकेशन आपका जो मेरिट है उसके आधार पर आपको अलॉट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा गया है कि अगर आपको ऑफिस की लोकेशन नहीं पता है तो आप कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है और 1 साल के लिए इनको अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि जो कैंडिडेट है अगर आप
डिप्लोमा कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री वाले को यहाँ पर NATS की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आप अप्रेंटिस के कैंडिडेट है तो आपको अप्रेंटिस वाले पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि अप्रेंटिस इंडिया का पोर्टल है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा गया है कि एक साल का जो अप्रेंटिस कम्प्लीट हो जाएगी, इसके बाद आप कंपनी में कोई भी रोजगार के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। ये केवल एक ट्रेनिंग रहेगी और ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि जो एक्सटेंशन इन जॉइनिंग ओनली 15 डे, तो आपका जो जॉइनिंग की जो डेट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर आप एक्सटेंशन चाहते हो तो 15 दिन का रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वायरी या फिर डिटेल चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है, और आपका इसमें अगर सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप अगर इसके बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।